वेलकम टू एस बी स्कॉलर्स अकेडमी। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन टी यू जी सी नेट जी आर एफ आई सी आर नेट सिलेट टी जी टी पी जी टी टेट होम साइंस 2020 देन यू कैन सब्सक्राइब एंड प्रेस अ बेल आइकन एज दिस चैनल इज रन अंडर प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन मेल अस ऑन आर मेल आई डी। वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग सम काइंड ऑफ स्टडी मटीरियल फॉर योर यू जी सी नेट जी आर एफ होम साइंस लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन बैंक क्विक रिविजन नोट्स एज विद द वीडियोज एज विद द सब्जेक्टिव नॉलेज। इफ यू डू मोर ऑफ मोर प्रैक्टिस सेट्स मोर ऑफ मोर प्रीवियस ईयर्स दैट विल गिव यू आइडिया बेसिकली हाउ टू डू द वेराइटी ऑफ द क्वेश्चन हाउ टू डू अ क्वेश्चन एंड द मॉडल ऑफ द क्वेश्चन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक एंड प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन बैंक फॉर द यू जी सी नेट जी आर एफ। अगर आप प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक करते हैं आप इसको प्रैक्टिस करते हैं तो इससे आपको आइडिया लगता है कि कैसे आपको क्वेश्चन का मॉडल मिलता है कैसे आपको क्वेश्चन आते हैं किस तरह का क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलता है। सो इस तरह से आपको एक आइडिया लग जाता है बेसिकली हाउ टू डू अ एग्जाम इन द एग्जाम हॉल। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो टुडे आई विल टॉक अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस लॉज। आज हम बात करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस लॉज के बारे में। इन द लास्ट वीडियो जो हमने डोमेस्टिक वायलेंस पे किया था उसमें हमने बात करी थी बेसिकली कि व्हाट इज डोमेस्टिक वायलेंस व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस व्हाट आर द सम फॉर्म्स ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस किस तरह से इसको किया जाता है एंड हु आर द अब्यूजर्स हु आर द विक्टिम्स दैट वी टॉक्ड अबाउट इन आर लास्ट वीडियो। सो इफ यू वॉन्ट टू नो व्हाट इज डोमेस्टिक वायलेंस व्हाट आर द टाइप्स व्हाट आर द फॉर्म्स यू कैन सी माई प्रीवियस वीडियो दैट इज ऑन डोमेस्टिक वायलेंस पार्ट वन। सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट द लॉज या अगर वी आर अ विक्टिम ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस वी सी देयर इज अ वायलेंस ड्यू टू द डोमेस्टिक और दिस टाइप ऑफ थिंग सो व्हाट कैन बी द लॉज किस तरह से हम उसको सेव कर सकते हैं व्हाट आर द हेल्पिंग लाइंस व्हाट आर द हेल्पलाइन नंबर क्या क्या वो हेल्पलाइन नंबर हैं क्या क्या वो हेल्पिंग हैंड है जो कि डोमेस्टिक वायलेंस के लिए उसके एक्ट पे हमें बचाते हैं हमें हेल्प आउट करते हैं। सो दिस इज़ बेसिकली जस्ट अ डेफिनेशन कि व्हाट इज़ डोमेस्टिक वायलेंस जिसमें हम बात करते हैं कि इस तरह का एक अब्यूसिव बिहेवियर जो भी किसी पर्सनल रिलेशनशिप में हमें देखने को मिलता है जो कि एक पार्टनर को अलाउ करता है या उसको जिसे हमने बात करी थी डोमेस्टिक वायलेंस या किसी भी तरह का वायलेंस इज़ ऑल अबाउट योर पावर एंड कंट्रोल ओवर द अदर। When one want to control over the other partner that is somewhere against his wishes, against her wishes, then it considered as your violence. Again, if it is considered in the home, in your family, by the husband, by the in-laws or by your parents, so it is not only, if I am talking about ki only husband do violence on you, तो इट विल कंसिडर्ड एज अ डोमेस्टिक वायलेंस। ऐसा नहीं है कि हस्बैंड सिर्फ आपके साथ एनी तरह का किसी भी तरह का अब्यूज़ या किसी तरह का डोमेस्टिक अब्यूज़ आपके साथ करता है तो दैट इज़ ओनली अ डोमेस्टिक वायलेंस। नो इट इज़ कैन बी डन बाय योर पेरेंट्स इट कैन बी डन बाय योर इन लॉज इट कैन बी डन बाय एनी फैमिली मेम्बर किसी भी तरह से। तो सो बेसिकली दिस इज़ अ वायलेंस कि वेन वन पार्टनर इज नीड टू कंट्रोल ओवर द अदर पार्टनर। सो बेसिकली इट कैन बी सीन बिटवीन द मैरिड स्पाउसेज और द अदर इंटीमेटेड रिलेशनशिप बेसिकली दैट रेफर्स टू एनी काइंड ऑफ फैमिली रिलेशन और द पर्सन लिविंग इन द सेम होम। एज आई सेड कि इट इज़ नॉट ओनली बाय हस्बैंड इट कैन बी डन बाय योर इन लॉज इट कैन बी डन बाय एनी अदर फैमिली मेम्बर्स टू तो इट इज़ कंसिडर्ड एज अ डोमेस्टिक वायलेंस इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं कि इट इज़ डोमेस्टिक वायलेंस। अब हम बात करते हैं एम्पावरमेंट या एम्पावर against domestic violence basically when we see कि there is a domestic violence near us जब हम देखते हैं कि किसी तरह का violence किसी तरह का domestic violence है हमारे आस पास तो basically why the woman suffer from this violence तो क्यों ऐसा वो करती हैं there is a need to empower that against the domestic violence जिसमें कि basically sometimes women feel in guilt women feel that कि नहीं मेरे को नहीं बोलना चाहिए मेरे को नहीं लड़ना चाहिए I should be a part of this violence क्योंकि कई बार क्या होता है they don't live in the false hope जैसे कि मैंने आपको लिखा है that things will get better someday वो क्यों उसको उस false hope के साथ नहीं रहना चाहिए उस hope के साथ नहीं जीना चाहिए कि एक दिन चीज़ें अच्छी हो जाएंगी या बेटर हो जाएंगी। उनको डोंट लुक टू द अदर पीपल टू सेव यू फ्रॉम अब्यूज़र किसी के लिए आप मत देखो इतने राइट्स हैं इतने लॉज हैं
कि एवरी वन कैन बी यूज ऑफ इट इफ ही और शी इज अ पार्ट ऑफ दैट वॉलेंस. तो डोंट लुक टू द अदर पीपल इफ यू से फ्रॉम द व्यूज एंड नो वन कैन हेल्प यू इफ यू आर नॉट विलिंग टू हेल्प योर सेल्फ. तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोट हेयर कि इफ यू आर विलिंग टू हेल्प योर सेल्फ देन अदर पीपल विल हेल्प यू आउट, देन द गवर्नमेंट विल हेल्प यू, देन द अदर ऑर्गनाइजेशन, देन द अदर एन जी ओज विल हेल्प यू. तो एन जी ओज ऑर्गनाइजेशन या जो भी अदर हमारे मिनिस्ट्रीज हैं, गवर्नमेंट्स हैं, वो तभी आपको हेल्प करेंगे इफ़ यू आर विलिंग टू हेल्प योर सेल्फ. सो आपको खुद से एक्शन लेना है. यू हैव टू एक्शन ऑन योर ओन बिहाफ लाइक लीगली और इमोशनली. अगर हम इंडिया में बात करते हैं लाइक फैक्ट्स की अगर हम बात करें इंडिया के अंदर, तो वी कैन सी कि ये सिर्फ लोअर या मिडिल क्लास में हमें देखने को नहीं मिलता, बट इट कैन बी सीन इन द प्रोमिनेंट और द फेमस पीपल. बेसिकली बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारे यू नो डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट लॉज बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, जो कि क्या देते हैं, पावर देते हैं वुमेन को उन अब्यूज़र्स के अगेंस्ट कंट्रोल करने की. तो बेसिकली जो पावर, जो कंट्रोल अब्यूज़र्स विक्टिम पे दिखाता है या वुमेन पे दिखाता है, तो वही कानून को यूज़ करके वुमेन कैन यूज़ हर पावर. तो हमें कानून को, हमें लॉज को यूज़ करना है इफ़ समवन फील्स की हीज़ा और शीज़ अ पार्ट ऑफ दैट डोमेस्टिक वायलेंस. तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द वुमेन लीगली बाई मिस यूजिंग द लॉज ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऑफ इंडिया. सम वुमेन आर ट्राई टू बेसिकली अब्यूज़ दैट लीगल सिस्टम. तो ऐसा नहीं है कि कुछ लोग उसको मिस यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास वो लॉज नहीं होने चाहिए. आफ्टर ऑल हम ये सब देखते हैं कि देर इज़ अ हॉरिफिक यू नो स्टार्ट्स फॉर द डोमेस्टिक वायलेंस इन इंडिया. वी कैन सी बेसिकली अगर हम रफ सर्वे की बात करें जो कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने हमें सर्वे दिया, और इस यहाँ से इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन भी बनता है जनरल नॉलेज के लिए भी. एंड वी कैन सी कई बार करंट से ही क्वेश्चन हमसे उठ के आ जाता है द रेशियो द परसेंटेज ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस. तो अगर हम देखें तो जो एवरी थर्ड वुमेन है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर डोमेस्टिक वायलेंस सिंस एज ऑफ 15 कैन बी रफ आइडिया. सो बेसिकली अगर हम बात करें तो 31% उसमें हमारी मैरिड वुमेन होती हैं हु एक्सपीरियंस लाइक फिजिकल, सेक्शुअल, इमोशनल वायलेंस बाय देयर स्पाउस. एंड अनदर वन वी कैन सी द 13% फॉर द इमोशनल वायलेंस. 27% जो इनका स्पाउसल वायलेंस होता है दैट इज़ अ फिजिकल वायलेंस, जैसे बहुत कॉमन टाइप का ये हमारा वायलेंस हो. तो बहुत ज़्यादा हमारा, हम जैसे बात कर सकते हैं एट द एज ऑफ 15 थर्ड वुमेन सफर्स फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस. सो इट इज़ वेरी हॉरिफिक एंड वेरी डिस्टर्ब स्टेट्स ऑफ यू कैन सी दैट्स इन इंडिया. सो उसके लिए हमें क्या करना है ताकि जो ये रेशियो है, ताकि जो ये परसेंटेज है हमारी कम हो जाए एंड नो वुमेन विल बी अ पार्ट ऑफ अ डोमेस्टिक वायलेंस. उसके लिए हमें आवाज़ उठानी है. दैट मस्ट बी दैट थिंग कि रेज योर वॉइस. अपने फ्रेंड से बात करें, अपने रिलेटिव से बात करें, एनजीओ की मदद लें, पुलिस की मदद लें, और वी कैन टेक अ हेल्प फ्रॉम प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005. एंड वी मस्ट कॉन्टैक्ट द प्रोटेक्शन ऑफिसर जो भी हमारे एरिया का होता है. उसमें हम DIR रजिस्टर करवा सकते हैं. DIR इज़ बेसिकली द डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट. एंड यू कैन डू दैट, यू कैन ऑल्सो गो डायरेक्टली टू द मैजिस्ट्रेट. तो आपको ये करना है. एम्पावर में आपने बोला कि हमें क्यों, वाई वी यू नो सपोज टू बी आउट अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस. मेरे को खड़ा होना है, मेरे को लड़ना है. आई शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ द वायलेंस. उसके लिए मेरे को क्या करना है, आई मस्ट रेज माई वॉइस, आई मस्ट गो टू द एनजीओ और द पुलिस, आई मस्ट यूज द हेल्प फ्रॉम द एक्ट दैट इज मेड फॉर द वुमेन इन द 2005 लाइक प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट. और यू कैन डायरेक्टली गो टू द मैजिस्ट्रेट. सो दीज आर द थिंग्स दैट मस्ट बी डू बाय द विक्टिम. तो बेसिकली उसके लिए हमारे कुछ लीगल हेल्प्स भी बनाए गए हैं जिसके अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस लॉज, जिसे हम कह सकते हैं इन इंडिया. तो दीज आर द सम लीगल जिसमें कि हम देख सकते हैं इट इज़ वन ऑफ दैट द इंडियन पिनल कोड अमेंडमेंट इन 1983. बेसिकली इसके अंदर जो एक स्पेशल सेक्शन है दैट इज़ नंबर्ड एज 498A. तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस सेक्शन को याद कर सकते हैं, इस नंबर को याद कर सकते हैं. IPC के कौन से अमेंडमेंट में, कौन से ईयर में इसको लाया गया, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज़ 1983. तो स्पेशल सेक्शन की अगर हम बात करते हैं दैट इज़ नंबर्ड एज 498A, जिसको ऑफिशियली हमारा बनाया गया था डोमेस्टिक वायलेंस के लिए. और अ क्रिमिनल वायलेंस वॉज एडेड टू द IPC इन 1983, इसको एड कर दिया गया था. बेसिकली इसके अंदर क्या है, हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड
हस्बैंड ऑफ अ वुमेन सब्जेक्ट टू हर क्रुएलिटी तो टुवर्ड्स अ मैरिड वुमेन बाय देयर हस्बैंड और देयर हस्बैंड फैमिलीज. तो उसके लिए ये सेक्शन ऑफ लॉ स्पेसिफिकली बनाया गया था कि जो भी रिलेटिव है उस हस्बैंड और हस्बैंड ऑफ द वुमेन सो उसके अगेंस्ट. तो बेसिकली इस पॉलिसी के अंदर हम देखते हैं दैट इज अ एक्ट ऑफ अ क्रुएलिटी दैट इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड टू द फॉलोइंग. इसके अंदर एक्ट ऑफ क्रुएलिटी को इंक्लूड करता है बट अंडर नॉट द कंडीशन ऑफ फिजिकल अब्यूज डिनाइंग द वुमेन फूड लॉकिंग इन और हर आउट ऑफ द हाउस एज अ पनिशमेंट डिमांडिंग यू नो परवर्स सेक्शुअल एक्ट्स अगेंस्ट द वुमेन विल मेंटल टॉर्चर थ्रेट्स टू हर और हर लव्ड वन सच एज चिल्ड्रन. सो दीज आर थिंग्स दैट इन दिस इंक्लूडेड द IPC अमेंडमेंट इन 1983. सो ये जो चीज़ें थी IPC अमेंडमेंट 1983 के अंदर आपने देखा कि एक्ट ऑफ क्रुएलिटी इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड टू द फॉलोइंग. और इसके अंदर बेसिकली एक चीज़ और देखी जाती है IPC अमेंडमेंट 1983 के अंदर हम देख सकते हैं कि इसमें जो वुमेन के रिलेटिव होते हैं समटाइम ऐसा होता है कि जो खुद विक्टिम है या वुमेन है वो नहीं बोल पाती है नहीं यू नो नहीं स्पीक आउट कर पाती है कि दैट ही शी इज़ वेरी अफ्रेड टू स्पीक अप फॉर हरसेल्फ. उसको डर रहता है कहीं ना कहीं कि दैट विल बी कॉट बाय हर हस्बैंड और सिंपली कैन नॉट लीव द हाउस. इस तरह से घर नहीं छोड़ सकती है. तो उसके लिए इस एक्ट में आपको IPC अमेंडमेंट 1983 स्पेशल सेक्शन अंडर 498 के अंदर आपको जो वुमेन्स के रिलेटिव होते हैं उनको कंप्लेन करने का भी मौका दिया जा सकता है कि वुमेन रिलेटिव कैन ऑल्सो मेक अ कंप्लेन अबाउट दैट वुमेन हु आर अ विक्टिम ऑफ दैट वायलेंस. तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो कन्विक्टेड ऑफेंडर्स होते हैं दैट विल बी चार्ज अप टू 3 years ऑफ प्रिजन और एज वेल एज अ हेफ्टी अमाउंट ऑफ फाइन. सो इट इज़ वेरी गुड थिंग दैट सीन इन दिस सेक्शन इन दिस IPC अमेंडमेंट. सो इट्स अ वेरी गुड लीगल हेल्प दैट वन कैन वुमेन टेक दैट हेल्प फ्रॉम दिस अंडर एक्ट. नेक्स्ट हम देख सकते हैं PWDB एक्ट 2005. इस एक्ट के अंदर आप देख सकते हैं कुछ रिलीफ कुछ ऑर्डर्स जो कि वुमेन के लिए बनाया गया था. इट इज़ क्रिएटेड इन 2005 बेसिकली एनेक्टेड ओवर अ ईयर लेटर उसके बाद उसको एनेक्ट किया गया था बेसिकली. जहाँ पे हम देख सकते हैं कि फर्स्ट लॉ इंडिया के अंदर हमारा बना था इसको हम कंसिडर करते हैं दैट इज़ अ फर्स्ट लॉ इन इंडिया टू एक्नॉलेज एवरी वुमेन्स राइट टू बी इन अ होम विदाउट वायलेंस. तो उसको इसके लिए उसको एक्नॉलेजमेंट किया गया था कि एवरी वुमेन्स राइट टू बी इन होम विदाउट वायलेंस. सो इट्स अ वेरी मेजर स्टेप फॉरवर्ड वी कैन सी अ सिक्योरिंग वुमेन्स राइट्स एंड मोर इफेक्टिव प्रोटेक्शन. जिसमें हम देख सकते हैं कि इसमें वुमेन्स के राइट्स को वुमेन्स को ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल सके और एक बहुत अच्छा बहुत एक कंप्रेहेंसिव लॉ था जिसके अंदर बहुत सारे पॉलिसीज बहुत सारे प्रोसीजर्स इसमें हमने देखे. इसमें हमने वुमेन्स का यू नो बेसिकली डोमेस्टिक वायलेंस को क्या कहते हैं दैट वी सीन इन दिस एक्ट. सो इट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी कैन सी. तो बेसिकली क्या क्या हमारे रिलीफ हैं क्या क्या हमारे ऑर्डर्स हैं जो कि हमने देखे कि देयर इज अ प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एडर. उसको रेजिडेंस ऑर्डर्स राइट टू रेसाइड मॉनेटरी रिलीफ उसको प्रोवाइड कराता है कस्टडी ऑर्डर्स कंपनसेशन ऑर्डर्स इंटरिम एंड एक्सपार्टे ऑर्डर्स. सो दीज आर द थिंग्स दैट इज इस एक्ट के अंदर इस PWDV एक्ट के अंदर 2005 के अंदर आपको जो भी विक्टिम होता है जो भी रिलीफ ऑर्डर्स हैं वो उसको प्रोवाइड किए जाते हैं. तो इस एक्ट के अंदर वुमेन को राइट दिया जाता है उस प्रोटेक्शन के लिए उस उनके रिलेटिव्स को कि दे कैन फाइल अ कंप्लेन हु ब्रेक द लॉ दैम अगेंस्ट द हस्बैंड. सो दीज आर द वेरी गुड लॉ वेरी गुड लॉ द PWDV एक्ट 2005 जिसको इनेक्ट किया गया था आफ्टर ये लेटर. सो दीज आर द क्वेश्चन बेसिकली इससे क्वेश्चन हमारा बन सकता है कौन कौन से उसको रिलीफ कौन कौन से ऑर्डर इनेक्टमेंट उसका कब बना कौन सा ईयर है कौन सा एक्ट है नाम भी आता है एक्ट का कि कौन सा एक्ट है PWDV एक्ट. तो इसको ये सब आपको याद करना है ये सब आपको टू बी नॉलेज होना चाहिए अगेंस्ट यू नो द डोमेस्टिक वायलेंस दैट नो वुमेन शुड बी अ पार्ट ऑफ इट. वन मस्ट रेज द वॉइस for yourself, for the society. If you feel that the one lady is a part of the domestic violence and if you are seeing, if you are the near to that part, near that residence, so you must be a part of that. कि आपको कैसे उसे रोकना है. सो उसके लिए आपको लॉज पता होने चाहिए एंड फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट हम देख सकते हैं द 2013 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट. इसमें हम बात करते हैं कि बेसिकली ये बिल हमारा 2013 में बना 2013 में बना बेसिकली इसको एंटी रेप बिल की बात करते हैं जो कि अब इसको लॉ बना दिए गए. इस लॉ के अंदर इस एक्ट के अंदर अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ अ ब्रॉड रेंज ऑफ सेक्शुअल क्राइम्स टू विच वुमेन मे फॉल इन अंडर द विक्टिम. बहुत सारे ऐसे नंबर ऑफ वेज हैं जिसके अंदर जेंडर
डेज डिस्क्रिमिनेशन हम देखते हैं मैनिफेस्ट दैट इन इटसेल्फ. बेसिकली अगर हम बात करें दैट इज़ अ सेक्शुअल असॉल्ट और द रेप दैट वर क्लैरिफाइड एडिड ऑन टू इन दिस एक्ट इन दिस यू नो अमेंडमेंट. नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं जो ये एक्ट होता है वो क्लैरिफाई करता है एक्सटेंड करता है हमारे द ऑफेंस ऑफ द सेक्शुअल असॉल्ट को, जैसे हमने बात की कि एज अ रिजल्ट ऑफ अब्यूज ऑफ पोजिशन ऑफ ट्रस्ट. सो दीज एक्ट दीज आर द सम एक्ट और दीज आर द सम थिंग्स दैट इज अंडर दिस अमेंडमेंट हमें बताई गई हैं. पेनल्टीज जो होती है उन ऑफेंसेज की लाइक सच एज रेप असॉल्ट और द सेक्शुअल हैरेसमेंट उसको इंक्रीज कर दिया गया है. हैवी सेंटेंस यू नो वर डिक्लेयर फॉर द रेपिस्ट बेसिकली इंक्लूडिंग द डेथ सेंटेंस फॉर पर्टिकुलरली डिस्टर्बिंग केसेज. सो दीज आर द सम थिंग्स दैट यू कैन सी इन दिस थिंग्स. बेसिकली इस पार्ट पर अगर हम बात करते हैं तो द पुलिस विल ऑल्सो बी पेनलाइज फॉर फॉलिंग टू रजिस्टर एफ आई आर. अगर पुलिस एफ आई आर नहीं रजिस्टर करती है अगेंस्ट द वुमेन अगेंस्ट दैट यू नो द अब्यूजर्स तो उसको भी पुलिस को भी पेनलाइज करते हैं. तो इट इज दिस विल बी मेक इट इजियर फॉर द रेप विक्टिम टू रिपोर्ट देयर केसेस. तो इस कंडीशन में भी यू कैन सी कि बहुत सारे हमारे लॉज जैसे कि मैंने बोला बहुत सारी हमारी लीगल हेल्प हैं जिसको गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कराती है. बीइंग अ वुमेन बीइंग अ विक्टिम्स वी शुड बी अ पार्ट ऑफ यू नो यूज़ हाउ नो टू यूज़ कि हमें कैसे उस लॉ को यूज़ करना है. सो उसके लिए हमें जनरल अवेयरनेस बहुत नेसेसरी है. अब हम बात करते हैं देयर इज़ अ क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स विल जिसको हम CAWC भी कहते हैं जिसके इसको सेटअप किया गया था बेसिकली 1983 के अंदर एट अ सेंट्रल लेवल इन द दिल्ली पुलिस. बेसिकली इसको क्यों बनाया गया था ताकि जो पुलिस रिस्पॉन्स है हमारा स्पेसिफिकली फॉर द वुमेन वो हमारा बने मोस्ट लाइकली एनीवेयर इन द वर्ल्ड. ये जो इनिशिएटिव है बेसिकली डोमेस्टिक एब्यूज सर्वाइवर को बेटर हेल्प प्रोवाइड कराने के लिए ये हमारा क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल को बनाया गया. इन एवरी डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन वॉज सेटअप. बेसिकली हर लेटर ऑन क्या हुआ था कि हर डिस्ट्रिक्ट पुलिस में इस स्टेशन को पुलिस स्टेशन पर सेटअप कर दिया गया था. नेक्स्ट यू कैन सी द प्रोग्राम बिगेन इन 2010 एज द इंडियन गवर्नमेंट आंसर टू स्टेडिली ग्रोइंग नंबर ऑफ abuse that targeted women. तो इसको 2010 में भी later setup किया गया ताकि जितनी जल्दी से जल्दी जो भी हमारी वुमेन्स हैं जो भी टारगेटेड वुमेन हैं उन तक हम पहुँचें और उन तक हम उसको कवर आउट करें. सो दीज आर द समथिंग दैट इज टेकन एज बाय द गवर्नमेंट इनिशिएटिव जिसको हम कह सकते हैं फॉर आर वुमेन्स फॉर आर हेल्प फॉर एज अ हेल्पिंग हैंड फॉर द वुमेन्स. सो ऑल इंडिया ईमेल हेल्पलाइन दिस इज ऑल्सो वेरी यूजफुल एंड वेरी इन्फॉर्मेटिव फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम द जनरल नॉलेज फ्रॉम फॉर बी अ पार्ट ऑफ द यू नो द विक्टिम. सो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम देख सकते हैं कि बेसिकली एक ही नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की जिसको मैंडेट करती है ऑफ प्रोटेक्ट करती है प्रोमोट करती है इंटरेस्ट ऑफ द वुमेन को. एज इट इज़ अ पीरियड ऑफ द COVID-19 पेंडेमिक एरा ऑफ द COVID-19 वेयर एवरीवन अपने अपने घर पे हैं एवरीवन इज फिक्स एट इट्स होम हर कोई मतलब. तो हम इस उसमें देख सकते हैं कि जो हमारे केसेस हैं मैंने कल भी उसमें बात करी कि इट्स इंक्रीजिंग. तो उसके लिए गवर्नमेंट ने नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने बहुत एक अच्छा इनिशिएट किया है कि बेसिकली दे मेड अ नंबर जिसको हम कह सकते हैं व्हाट्सएप नंबर ओनली ये व्हाट्सएप के लिए बनाया गया है. इट इज़ नॉट फॉर कॉल नॉट फॉर एनी काइंड ऑफ यू नो द थिंग्स बट इट इज़ ओनली फॉर द व्हाट्सएप अलर्ट रिगार्डिंग डोमेस्टिक वायलेंस ऑन वुमेन. एंड द नंबर यू कैन सी हेयर इट इज़ 7217735372. तो इट इज़ ओनली पीरियड ऑफ द COVID-19 जब तक का नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हमारा रेगुलर अब वर्क नहीं करना शुरू हो जाता है इन द ऑफिसेज तब तक के लिए इस नंबर को व्हाट्सएप अलर्ट दिया गया है कि आप वन द विक्टिम कैन कॉन्टैक्ट कैन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर. नेक्स्ट यू कैन सी दीज आर द सम वुमेन ऑर्गेनाइजेशन इन दिल्ली जिसको हम देख सकते हैं शक्तिशालिनी वुमेन शेल्टर. ये दीज आर द सम नंबर दैट गिवन हेयर. सार्थक की अगर हम बात करें ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस और जगूरी. सो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन सी हेयर. दीज आर द सम वुमेन हेल्पलाइन नंबर सम वुमेन ऑर्गेनाइजेशन इन दिल्ली सम नेशनल लाइक नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जिसमें उन्होंने हमारे ओनली पीरियड ऑफ COVID-19 के लिए व्हाट्सएप अलर्ट दिया जब तक कि उनकी चीज़ें नॉर्मल आउट नहीं हो जाती हैं. तो दीज आर द सम थिंग्स दैट आर द सम लीगल हेल्प दैट यू कैन सी हेयर जो कि हमारी बनाई गई हैं. तो इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो सारे लॉ सारे अमेंडमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. PWDV एक्ट की बात करें तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो दीज आर द सम लॉज दीज आर द सम थिंग्स दीज आर द सम सेक्शन दीज आर द सम हेल्पलाइन नंबर जो कि डोमेस्टिक वायलेंस के लिए अगेंस्ट द वुमेन स्टैंड अप करते हैं खड़े होते हैं. एंड बींग अ वुमेन इफ शी इज़ अ पार्ट ऑफ दैट विक्टिम शी इज़ अ पार्ट ऑफ दैट वायलेंस
तो शी कैन टेक एनी ऑफ द हेल्प फ्रॉम एनी ऑफ द अंडर द एक्ट अंडर द हेल्पलाइन नंबर विद द ऑर्गेनाइजेशन विद द एन जी ओज कहीं से भी वो हेल्प ले सकती है. सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि कौन कौन सी, जैसे आपको क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल दे दें और फिर आपको मैचिंग दे दें कि किसके लिए है ना, इट इज़ फॉर द डोमेस्टिक, इट इज़ फॉर वॉट, तो आप उसको मैच कर सकते हैं. नेक्स्ट आपको आ सकता है कि कौन सा स्पेशल सेक्शन की अगर हम बात करें, वो हमसे पूछ सकता है कि कौन सा सेक्शन की, मतलब कौन सा सेक्शन, कौन से सेक्शन के लिए. अब आपको यहाँ 498A दे दे, अब आपको यहाँ 324 दे दे, एनी ऑफ थिंग्स दैट गिवन, और फिर आपको यहाँ पे मैचिंग करवा दे. सो यू हैव टू बी लर्न आउट दैट थिंग कि एज इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, सो यू मस्ट नो कि वॉट आर द थिंग्स दैट बी अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस. तो वो कहीं से भी हमसे करंट से पूछ सकते हैं, कहीं से भी वो हमसे क्वेश्चन आउट कर सकता है. सो नेक्स्ट थिंग आई मस्ट से हेयर कि एज वी आर प्रोवाइडिंग सम स्टडी मटेरियल, बट एज द एग्जाम इज नियरर टू अस, एज द डेट इज़ नॉट फाइनलाइज टिल येट, बट येस इट इज़ नियर टू द टाइम. सो हम आपको लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड करा रहे हैं. सो इफ़ समवन इज़ इंटरेस्टेड टू टेक द लाइव क्लासेस, दैट मे कॉन्टैक्ट ऑन द व्हाट्सएप, दैट मे कॉन्टैक्ट ऑन आर मेल आई डी sbscholarsacademy@gmail.com. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कॉन्टैक्ट अस, वी विल रिप्लाई यू, वी विल सी टू द थिंग्स. सो द स्टडी मटेरियल एंड द लाइव क्लासेस आर ऑल्सो अवेलेबल एज द एग्जाम इज नियरर टू द टाइम. सो यू कैन शो योर इंटरेस्ट, यू कैन स्टडी अप योर, यू नो, स्टडी अप योर द पेज, द टाइम विद द टाइम एज इट्स द peak time for everyone to help for the NTA UGC NET JRF. So this is for the today class, today domestic violence laws. So if you have any query, you can mail us on our mail ID sbscholarsacademy@gmail.com. You can comment us, you can do whatever the way you want. So any query, you can contact us. So thank you for watching my video. Stay safe, stay home, all the best for your NTA NET JRF, all the best.